तो आ गई है मनप्रीत पिज्जा कराई विद गार्लिक नान, ट्राई करते हैं इसको। देख रहे पिज्जा कराई, आज की वीडियो में जो आपको कढ़ाई दिखा रहे हैं ये नॉर्मल कढ़ाई नहीं है बल्कि ये है पिज्जा कढ़ाई। जी हाँ, आपने सही सुना, पिज्जा कढ़ाई। और इस पिज्जा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसमें मौजूद तमाम पिज्जा के इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, जैसे कि चीज, ऑलिव, मशरूम्स, कैप्सिकम, ओरिगानो वगैरह। और इस रेस्टोरेंट के ओनर का कहना है कि ये पिज्जा कढ़ाई आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी सिवाय चूल्हा रेस्टोरेंट के। तो ये खा के आपको ऐसा लगेगा कि आपने पिज्जा और कढ़ाई दोनों का जायका चख लिया। तो चलिए आए, चलते हैं शेफ की तरफ और देखते हैं ये मुनफरिद पिज्जा कढ़ाई किस तरह बनाई जाती है। ये भाई शेफ है यहाँ के। अच्छा, ये इंट्रोड्यूस आप ही करवाया? ये पिज्जा कराई थी यार। ये क्रीम है, क्रीम भी ऐड हो गए। क्रीम भी हम लोग ओरिजिनल नेस्ले की नेस्ले है। तो ये इस तरह पिज्जा की मैं चाहती हूँ कढ़ाई में। ये मैं सोचा कि इसमें डो को डलता है। नहीं नहीं, मैं भी समझा था कि इसमें डो वगैरह डलेगा। आगे नहीं, फिलिंग भी आ गया तो साजिश भी आ गई। उसके बाद ये टॉपिंग हो गया इस तरह। ब्लैक ऑलिव भी आ गए इसके अंदर, जैलिनोस भी आ गए और ये मशरूम भी आ गए। सारी कसरत है भाई, जो भी जो कसरत है कोई नहीं। टोमेटो ये आ गए, चलिए ये भी आ गए। वो मेन आ गया ना, ऑलिव ऑयल आ गया ना। तो ये है इस तरह बनती है पिज्जा। ये इस तरह देख रहे हो, इस तरह ये रोटी ये रेडी हो चुकी है। ये रेडी, तो ये रेडी है सर्विंग के लिए। रेडी है ये जी। तो आ गई है मनप्रीत पिज्जा कराई विद गार्लिक नान, ट्राई करते हैं इसको। देख रहे पिज्जा कराई। अजय मुश्ताक, ये चेस से बताओ कैसा है। हाँ, ट्राई करता हूँ। और मुझे बताओ कि ये इसमें पिज्जा का टेस्ट आ रहा है ज्यादा या कढ़ाई का टेस्ट आ रहा है, किस तरह है ये थोड़ा बताओ व्यूअर्स को। बताओ पिज्जा का आ रहा है यार, पिज्जा का आ रहा है। और कढ़ाई का टेस्ट कहाँ गया? कढ़ाई का टेस्ट कहाँ गया? फ्लेवर आ गया ना। अच्छा अच्छा, मिक्स कर दो इसे ना। क्या किया इसके अंदर? मिक्स करो, चम्मच से मिक्स कर दो उसको भाई। मिक्स क्यों करते हल्का हल्का? आपको